सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग की तरफ से और एक डिटेल्स लीक्स निकल के सामने आ रहा है कि 2023 में आप लोगों को सैमसंग का S23 FE देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट सैमसंग ने लॉन्च किया था 2022 में सैमसंग का S21 FE, जो कि आज के टाइम में भी लगभग अंडर 40 के एक अच्छा स्मार्टफोन बना हुआ है। लेकिन अब बात होती है सैमसंग के जो S23 FE, ये स्मार्टफोन आएगा। कभी कुछ लीक्स निकल के सामने आते हैं कि ये स्मार्टफोन आएगा, वो स्मार्टफोन आएगा, लेकिन अब ऑफिशियली ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि 2023 में सैमसंग अपना S23 FE को लॉन्च नहीं करेगा। तो आप लोग अब मे भी ये यकीन कर लीजिए कि अब आप लोगों को सैमसंग के कोई भी फैन एडिशन वाले स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बजट का कम है तो आप सैमसंग का A-series का स्मार्टफोन लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा बजट बढ़ा के अपना डायरेक्ट प्रीमियम फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन नहीं लेना पड़ेगा। तो कल सैमसंग ने अपना ट्राई फोल्ड डिस्प्ले अनाउंस किया, शोकेस किया, वहाँ पर दिखाया कि ट्राई फोल्ड डिस्प्ले सैमसंग के एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाला है जो कि तीन तरफ से मुड़ने वाला है। अभी आप लोगों को पता है कि फ्लिप है, सैमसंग का फोल्ड है, जो कि एक ही तरफ से यहाँ पर फ़ोन फोल्ड होता है, लेकिन अब आप दो तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। वो टोटल आपको तीन डिस्प्ले उसमें शो किया जाएगा, तो इसको ट्राई फोल्ड डिस्प्ले नाम दिया गया है। तो ये सैमसंग का एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको 2023 में देखने वाला है। तो आप देखते हैं कि सैमसंग कुछ नया ट्राई तो कर रहा है, लेकिन फोल्ड, फ्लिप, ये सब हो गया लग्जरी स्मार्टफोन, ये लोग बहुत ही कम लोग परचेस करते हैं। और रही बात मिड रेंज एक 40-45-50 हज़ार 30 हज़ार में एक अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करने का, जो कि आज के टाइम में मुझे नहीं लग रहा है कि सैमसंग कोई अच्छा स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में फ़िलहाल है। A54 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, नो डाउट, लेकिन यार प्राइसिंग भी देखना होगा, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में हमें OnePlus का 11R मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ोन है। Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है। तो ब्रांड वैल्यू वो भी है, ये भी है, जो सैमसंग को, जो जिनको सैमसंग लेना है वो सैमसंग ही लेंगे, लेकिन एटलीस्ट अब थोड़ा हमें सोच समझ के भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है स्मार्टफोन, फ़ोन परचेस करेंगे लेकिन फ़ोन में दम भी तो होना चाहिए। A54 अराउंड 35 हज़ार के आसपास भी रहता तो लोग परचेस कर लेते, यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 40 हज़ार रुपये इसमें भी उनको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिल जाता तो वो भी वो लोग परचेस कर लेते, लेकिन एक्जिनोस के प्रोसेसर के लिए उतना पेमेंट करना कोई नहीं चाहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए, सैमसंग का S23 FE 2023 में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और आप लोग ये यकीन कर सकते हैं कि 2023 में और आने वाले कोई भी साल में FE जो सीरीज है उसे सैमसंग यहाँ पर बंद करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।